घर घर में अक्षरा के नाम से मशहूर एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों से गुजर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज 3 से गुजर रही हिना खान काफी दिनों बाद फैंस के सामने आई हैं और अपना हेल्थ अपडेट उन्होंने खुद दिया है। अपने फैंस के साथ एक इमोशनल मैसेज के साथ हिना ने एक बार फिर कैंसर से चल रही अपनी लड़ाई के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वो 5वीं कीमोथेरेपी पूरी कर चुकी है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि अभी 3 और बाकी है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कठिनाई हो सकती है। हिना खान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया जिसमें वो बता रही हैं कि उनकी 5वीं कीमोथेरेपी से गुजर चुकी है और अभी भी 3 कीमोथेरेपी बाकी है। इस दौरान उन्हें कई दिन बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है और इसलिए वो सोशल मीडिया से दूर हो जाती हैं। वीडियो शेयर कर उन्होंने कहा, मैंने एक जल्द ही हेल्थ अपडेट देने के बारे में सोचा क्योंकि आप सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं क्योंकि मैं हर जगह से पूरी तरह गायब हो जाती हूँ। हिना ने कहा, मैं ठीक हूँ, मेरी 5वीं कीमो की खुराक पूरी हो चुकी है, अभी 3 और कीमो बाकी है। उन्होंने अपने इलाज के उतार चढ़ाव के बारे में खुलकर चर्चा करते हुए कहा, कुछ दिन कठिन होते हैं, कुछ दिन बहुत बहुत कठिन होते हैं, कुछ दिन अच्छे होते हैं, आज मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। हिना ने बताया कि क्यों सोशल मीडिया से वो अचानक गायब हो जाती हैं। एक्ट्रेस ने कहा, कभी कभी मैं गायब हो जाती हूँ लेकिन ये ठीक है, मुझे ठीक होने और बेहतर महसूस करने के लिए समय चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद वो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने आगे कहा, ये एक फेज है, ये गुजर जाएगा और इसे गुजरना ही होगा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मुझे सर्वशक्तिमान पर पूरा भरोसा है और मैं लड़ रही हूँ, मुझे ये सब आप लोगों को बताना था। वीडियो के आखिरी में हिना खान ने अपने फैंस के निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने फैंस से उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करने के लिए कहा क्योंकि कैंसर से जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आपको बता दें कि हिना स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही हैं और अपने फैंस और फॉलोअर्स को अपना हेल्थ अपडेट देती रहती हैं। अपने बालों की विग बनाने से लेकर मानसिक और शारीरिक चुनौतियों से लड़ने तक हिना अपनी इस कठिन यात्रा के बावजूद सभी को प्रेरित करती रही हैं।